नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। वर्ष 1984 से ग्राहकों का विश्वास कायम रखने वाले हरबंस ज्वेलर्स ने जनकपुरी में हरबंस जेवर महल की ओपनिंग की। इस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। हरबंस ज्वेलर्स गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का एक ऐसा शोरूम जो 42 वर्षों से ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहा है। जनकपुरी के सीफोरी में हरबंस जेवर महल शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग हुई, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान शोरूम के मालिक ललित कपूर को बधाई देने पहुंची। मैं आज यहाँ पे हरबंस जेवर महल में आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे होके। जिस तरीके का वेलकम मुझे यहाँ पे दिया गया है उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ललित कपूर जी और उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने इस ऑस्पिशियस दिन का मुझे हिस्सा बनाया। ज्वेलरी तो बहुत ही बेहतरीन है, हर तरीके की है, डेलिकेट यू नो पीसेस भी है, हैवी ज्वेलरी भी है। सो बहुत ही अच्छे, यू नो मोस्ट ऑफ देम बीइंग डिज़ाइनर पीसेस बहुत ही अच्छे हैं। और मैं बस यही विश करूँगी कि यू नो उनका ये जो है एंडेवर बढ़ते रहे और वो और दुकानें खोलते रहे और मुझे अपनी ओपनिंग में बुलाते ऐसे दुकानें खोलती रहे और जरीन जी को इनवाइट करते। ये कस्टमर्स का विश्वास। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता चला। एंड यू नो जब एक ब्रांड ऑलरेडी इतने सालों से इस्टेब्लिश होता है तो फिर उसके लिए वो ऑलरेडी अपने आप में यू नो एक बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने साल तक जब वो चल गया है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं तो ब्रांड से भी, मेरी उम्र छोटी है। सो इट्स डेफिनेटली लोगों ने अपना ट्रस्ट उसमें डाला है एंड आई एम श्योर उन्होंने लोगों को निराश नहीं किया है, तभी तो अभी भी वो सस्टेन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बता दें, हरबंस ज्वेलर्स अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। सागरपुर में एक अलग पहचान बनाने के बाद अब जनकपुरी में हरबंस जेवर महल का नया शोरूम खुल चुका है। ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग ललित कपूर को बधाई देने पहुंचे। सर, पहले तो शुरुआत अभी नहीं हुई है, आज से 42 साल पहले से हमारी शुरुआत है। ये हमारी नई ब्रांच खुल रही है और प्योरिटी, आपको हमारा नाम है, प्योरिटी अच्छी है, 92% का माल है हॉलमार्क और बहुत अच्छा विश्वास। हमारे पास हर तरह की सब वैरायटी होती है, जो कि हर ज़्यादातर ज्वेलरों के पास नहीं होती। किसी के पास सिल्वर मिल रहा है तो गोल्ड नहीं है, गोल्ड मिल रहा है सिल्वर नहीं है। हमारे पास डायमंड, गोल्ड, कुंदन, हर ज्वेलरी मिलती है। ये स्पेशल रहेगा यहाँ के कस्टमर के लिए। उनको खर्च होना जैसे वेस्ट सागरपुर में हमारा पुराना शोरूम है, उसी प्रकार यहाँ भी हम विश्वास बनाएंगे पब्लिक का, जैसे वहाँ विश्वास बना हुआ है आज तक 84 से लेकर। तो अभी अलग शोरूम एक के दो हो गए, एक वेस्ट सागरपुर में, एक जनकपुरी में हो गया। तो अभी और बच्चे तरक्की करेंगे, क्योंकि सत्य से कमाया हुआ धन है, छल कपट से कमाया हुआ नहीं है। मैंने खोला था ये शोरूम वेस्ट सागरपुर में, बट मेरे बच्चे बहुत लायक निकले हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। मेरे दो बेटे दो बेटियां, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है और मुझे यहां तक पहुंचाया है। हरबंस ज्वेलर्स समय समय पर ऐसी स्कीम लाता है जिसमें कस्टमर्स बड़ी आसानी से कम पैसों में जेवर का संग्रह कर सकते हैं। अब ये तमाम स्कीम जनकपुरी के कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल होंगी। आप शॉपिंग करने आए? हाँ जी। हरबंस ज्वेलर्स पर ही क्यों विश्वास करते हैं आप लोग? एक्चुअली बहुत टाइम से, 30 ईयर्स हो गए मुझे उनको जानते हुए, काफ़ी टाइम से जानती हूँ, वहीं से हमारे यहाँ सब लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। और इसलिए विश्वास बनाएं कि क्योंकि 1984 से ये इस्टेब्लिश है, मतलब जाना माना लोकल में नाम है। एक्चुअली मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम लोग जब से हमारे 10-15 साल से जुड़े हुए हैं हरबंस ज्वेलर्स के साथ। तो अभी अभी उनकी नई ब्रांच यहाँ पे खुली है, पहले हम लोग इनकी पहली ब्रांच से लेते थे, बट अब हमें कंफर्टेबल हो गया, हम पास में ही रहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ से शॉपिंग करी। आज इनकी ओपनिंग थी तो दैट्स व्हाई। इतना ट्रस्ट क्यों इस हरबंस ज्वेलर्स पर? एक्चुअली ये ट्रस्ट इसलिए हमारा बना हुआ है क्योंकि हमें हर चीज़ में
प्योरिटी में और प्राइस में हर चीज़ में हम इनके साथ फ्लेक्सिबल रहते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीज़ दे रहे हैं या कुछ ऐसा, प्योर है। और पहली बात, और दूसरी बात ये कि बहुत ट्रस्ट बना हुआ हमारा इनका। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की ओर से भी हरबंस जेवर महल को ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़।